بأي آلاء ربكما تكذبان. मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, कुरान मुकद्दस की सूरत सूरतुल मुज़म्मिल के हवाले से अगर आप उसके तर्जमे और तफसीर को सुनने की सआदतें हासिल कर रहे हैं, तकरीबन 7 आयतों की तफसीर और उसका तर्जमा हमने समाप्त किया। 8वें नंबर पर है, वज़्कुरु इस्मा रब्बिका वतबत्तल इलैही तब्दीला। वज़्कुरु इस्मा रब्बिका, जो एक हुक्म लगातार चलता हुआ रहा है, क्या महबूब आप रात में उठिए, इबादत कीजिए, अपने रब को याद कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए, आधी रात से ज्यादा, आधी रात से कम आप अपने रब की इबादत में मसरूफ रहिए। उसके बाद ये जो चीजें क्या है, इसमें किस चीज का हुक्म है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, महबूब अपने रब का नाम लीजिए, वज़्कुरु इस्मा रब्बिक, अपने रब को याद कीजिए, और वतबत्तल इलैही तब्दीला, दो चीज, एक अपने रब को याद कीजिए, दूसरा सब से टूट कर उसी से मोहब्बत कीजिए। सुभान, एक दो चीजें, एक क्या, अपने रब को याद कीजिए और सबसे टूट कर हर एक बंदे से जुदा होकर के अपने रब से सबसे ज्यादा मोहब्बत कीजिए। ये हुक्म दिया गया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और वही हुक्म हम सब की आपकी उम्मत के लिए भी हमें सुनाया गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए। इसमें हमें क्या समझना है, समझना ये है कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रात और दिन के तमाम अवकात में अपने रब का नाम याद करते रहे, चाहे दिन हो चाहे रात हो। दिन में तो नमाज फर्ज की, रात में खुसूसी तौर पर आप पर छठे वक्त की नमाज फर्ज की, तहज्जुद फर्ज कर दी गई, ठीक है। अब ये पूरा जो सिस्टम है दिन का, इस दिन में तमाम अवकात में अपने रब को याद करते रहिए। कैसे याद करें, कभी नमाज पढ़ के याद कीजिए, कभी तस्बीह के जरिए, कभी औरादो वज़ाइफ के जरिए, कभी नमाज अदा करके, कभी कुरान पाक की तिलावत करके, कभी दूसरों को इल्म दीन सिखा करके, हर लम्हा अपने रब की याद करें, अपने हर लम्हा अपने रब की याद में मसरूफ रहें। ये वो दूसरा माना इसका क्या, हर लम्हा अपने रब को याद किए, इसका क्या माना, बस पुलिस मरबिक और अपने रब का नाम लीजिए। तो जवाब दिया जाता है कि जब कुरान मुकद्दस की किराअत करना मशहूर हो, आप जब चाहें कि कुरान की किराअत करनी है, कुरान पढ़ना है, तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपने रब को याद करने के बाद कुरान की तिलावत शुरू की, ये एक चीज थी। दूसरा इसका जो जुज बयान हुआ, क्या मतबत्तल इलैही तब्दीला, ये बात तो हमने की, वज़्कुरु इस्मा रब्बिक, अपने रब का नाम लीजिए, तब हर लम्हा में हर तमाम अवकात में, वतबत्तल इलैही तब्दीला, सबसे टूट कर उससे मोहब्बत कीजिए, अपने रब से मोहब्बत कीजिए, अपने रब को याद करिए। अच्छा, क्या माना है इसका, यानी इबादत का तरीका बताया जाता है, इबादत किस अंदाज से हो, भाई 10 मिनट के लिए इबादत की और उसके बाद बाहर जाकर फिर गाली बोल रहे, बाहर जाकर फिर शराब पी, बाहर जाकर फिर जुआ खेलिए, फिर रात में फजर की नमाज में फिर बंदा आ गया, फजर की नमाज फिर जमात से पढ़ी, बाहर जाकर फिर तिजारत झूठ बोल कर कर लिए, तो क्या तरीका इबादत का क्या है। ये तरीका बताया जाता है कि अल्लाह की इबादत किस अंदाज से हो, कि इसमें इंकिता ना हो, इंकिता यानी टूट जाना, राबते का मुनक़ित हो जाना, इस कनेक्शन जिसको कहते हैं, ये कभी ना पाए, हर लम्हा बंदे के दिल में उसके रब की याद मौजूद हो। सुभान अल्लाह, हर लम्हा बंदे के दिल में उसके रब की, अपने रब की याद मौजूद हो, ये कहा जाता है, यानी कि ऐसी सिफत हो कि वो एक दूसरे से बातें कर रहे हो, एक दूसरे की खैर खबर पूछी कर रहे हो, एक दूसरे के घर में आ और जा रहे हो, लेकिन उनका दिल उस वक्त भी अल्लाह का जिक्र कर रहा है।
जैसा कि विशाल उदाहरण दिए क्या तिजारत दाखिल लिखित तिजारत वाला बयान से करेगा कि कुछ लोगों को देखेंगे क्या कुछ लोगों को देखेंगे किस कैफियत में वो लेन देन कर रहे हैं वो खरीदो फरोख कर रहे हैं कोई चीज ले रहे हैं और कोई चीज बेच रहे हैं एक दूसरे के साथ मामला तय कर रहे हैं और आप कहता है ये मामला तो तुम देखते हो लेकिन हकीकत में इन लोगों की कैफियत क्या है कि ये तिजारत कर रहे होते हैं जुबानों से दिल उनका अल्लाह की सुनाई दे रहा है हर लम्हा अपने रब की इबादत में मसरूफ रहते वो एक लम्हे के लिए भी अपने रब की याद से काफिल नहीं होते हर वक्त अपने दिल से अपने रब को याद करते इसी की बात आप ऊपर की है कि इतना नाशियत नहीं की अशद उम्र था ये जो वो वक्त है ना ये दिल और जुबान के ज्यादा मुआफिकत का सबब होता है इसलिए हमें और आपको भी कोशिश करनी चाहिए कि हर लम्हा अपने रब का नाम लें और हर वक्त अपने रब का तसव्वुर हमारे दिल में मौजूद हो उसकी याद हमारे दिल में मौजूद हो इस आयत से पता चलता है एक सवाल ये बनता है कि जब सबसे टूट कर उसी से मोहब्बत करे तो बंदे को शादी भी कर उसके साथ उसके बच्चे भी हैं फिर उसके बाद पूरा खानदान भी देखना है तो क्या कुरान ऐसा हुक्म दे रहा है कि जिस पर अमल नहीं हो सकता एक बात समझ में आती है कुरान ने क्या कहा सबसे टूट कर अपने रब से मोहब्बत कर तो जब रब से मोहब्बत ही करनी है तो वे जंगल में चले जाए किसी से बात नहीं किसी से कलाम नहीं बस अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो करते रहे तो क्या इस्लाम कैसी तारीफ देता है कि एक इंसान अपने इलाके अपनी बस्ती अपने घर अपने माँ बाप अपने अहलो अयाल को छोड़ करके सिर्फ अल्लाह की याद में मशगूल हो जाए ये सवाल यहाँ बनता है सबसे टूट कर उससे मोहब्बत करो तो क्या हरेक को छोड़ दें इनका भी कोई मकाम है हमारी जिंदगी में या नहीं है इस हवाले से इंशाल्लाह कल रोशनी डालेंगे अल्लाह ताला मुझे आपको कहे सुनने से ज्यादा इन मामल की तौफीक अता फरमाए पुराने मुकद्दस मुसीफ समझने उसकी आयतों को अपने सीने में उतारने उस पर अमल करने की भी अल्लाह ताला हबीब के सदके में हम सबको तौफीक अता फरमाए कहने सुनने में अमलन सरवर कोई खता हुई हो अल्लाह ताला उसे माफ फरमाए व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين